अलिश्वा, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम जब भी मामा के घर जाती हो बताकर जाती हो, आज अचानक से चली गई, बताया भी नहीं। मामा ने बुलाया था क्या? नहीं सदान, एक्चुअली वो भाभी की कॉल आई थी मुझे। वो कह रही थी कि मामा आंटी से बात करने यहाँ खुद आना चाहती हैं। इससे पहले कि वो आती, मैंने सोचा मैं खुद जाके मामा को बता दूं कि सारिम को घर बुलाने वाला फैसला मेरा खुद का है। मैंने भी जमान को काफी कॉल्स की, लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। शायद गुस्से की वजह से बात नहीं करना चाह रहा। हो सकता है सादान सडन रिएक्शन हो, इसलिए वो इस तरह रिस्पॉन्ड ना कर पा रहे हो। बहरहाल आप परेशान मत हो। थैंक यू सो मच, तुमने जो कुछ भी किया। वैसे टीना के बारे में तुम्हारी राय लेना चाह रहा हूँ, क्या राय है तुम्हारी? कैसी राय? एक्चुअली मामा सारिम के लिए टीना का रिश्ता मांगना चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये राय आंटी को सारिम से लेनी चाहिए? वो तो राजी है, तुम अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकते हो। नहीं सादान, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ टीना को लेकर। लेकिन मैं टीना को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, हल्के बहुत क्लियर हूँ। टीना बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है सारिम से। इनफैक्ट वो उसकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। और सारे, तुम्हें क्या लगता है वो सीरियस है? मैंने कहा ना सादान, प्लीज मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके,